यार एक बात तो माननी पड़ेगी यार, मतलब ये नेपो किड्स को ना फायदा बहुत होता है। अब जानवी कपूर को ही ले लो, कोई ऐसी मूवी नहीं की जिससे मैं उनकी तारीफ करूं, कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसने बढ़िया कलेक्शन किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से बैक टू बैक मूवीज कर रही है। अब जानवी कपूर साउथ में डेब्यू भी करने वाली है, पता ही होगा आपको यार। और अब ना जानवी की किस्मत पलट गई है और इसमें उनकी मेहनत का कोई हाथ नहीं है, ये सब हुआ है जूनियर एनटीआर की देवरा की वजह से। जूनियर एनटीआर की देवरा ने ना जानवी की किस्मत पलट दी, कैसे? उसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना यार। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून और खंजर देखे हैं। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी चार्ट कल। भाई देवरा रिलीज से पहले बहुत बढ़िया कमाल कर रही है कलेक्शन के मामले में। RRR के बाद हर कोई देखना चाहता है कि राजा मौली की नेक्स्ट फिल्म में क्या कुछ खास, क्या कुछ बढ़िया होने वाला है। एक अलग ही हाइप है देवरा की। थोड़ा टाइम पहले टीजर आया था, क्या कमाल का टीजर था यार, देखने में मजा आया था, लोगों में इंटरेस्ट जगा दिया था। ये मूवी 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और अगर मैं आपसे कहूं कि रिलीज से पहले ही मूवी ने 400 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया तो विश्वास तो बिल्कुल नहीं करने वाले तुम मेरी बात पे। तो चलो फिगर समझाती हूँ कैसे कैसे कलेक्शन किया है। मूवी के ऑडियो राइट्स 33 करोड़ में बिके हैं, डिजिटल राइट्स 155 करोड़ में बिके हैं। भाई ये डील नेटफ्लिक्स ने की है, हिंदू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सारी भाषाओं में ये मूवी रिलीज होने वाली है और रिलीज के 56 दिन बाद ही आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकोगे। तेलुगु राइट्स 130 करोड़ में बिके हैं, ओवरसीज राइट्स को 27 करोड़ में बेचा गया और साथ ही हिंदी के थिएट्रिकल राइट्स AA फिल्म्स को बेचे गए हैं। और इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन पेश करने वाले हैं और इसके राइट्स 45 करोड़ रुपए में बिके हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि इस फिल्म को हिंदी में करीब 100 करोड़ की कमाई करनी होगी तभी जाकर राइट्स खरीदने वालों की कीमत वसूल हो पाएगी। खैर इसमें कोई दो राय नहीं है कि मूवी हिंदी में 100 करोड़ किस जितना कलेक्शन कर लेगी। भाई हर कोई राजा मौली और जूनियर NTR की मूवी देखना चाहता है, एक अलग ही फैन फॉलोइंग इनकी बनी हुई है। तो भाई कुल मिलाकर रिलीज से पहले ही अपने बजट से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। जूनियर NTR है मूवी में, साथ ही साथ सैफ अली खान भी है और जानवी भी है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग तो यही कहेंगे ना यार, जानवी की किस्मत पलट गई और ये सब हुआ है देवरा की वजह से। वैसे आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले देवरा की ऑफिशियल रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट किया गया था, मूवी को 10 अक्टूबर को रिलीज होना है और जूनियर NTR का सिर्फ आपको इसमें डबल रोल नहीं ट्रिपल रोल देखने को मिलेगा। मूवी की बहुत सारी शूटिंग अभी बाकी है लेकिन सारी चीजों पर डिटेल में काम किया जा रहा है ताकि कहीं पर भी कोई कमी पेशी ना रह जाए। शायद इसीलिए इसे लाल समंदर कहते हैं। बाकी यार नो डाउट जूनियर NTR इस फिल्म के हीरो हैं, उन्हीं के नाम पर तो ये मूवी भेजी जा रही है। और सैफ अली खान के बारे में भी सब बातचीत कर रहे हैं, जिसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है वो है जानवी कपूर। यार थोड़ा बहुत स्क्रीन प्रेजेंस दे देना, मैं जानवी कपूर को इतनी बड़ी फिल्म में काम करते हुए देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि किस तरीके से जानवी इस फिल्म में गुड़ गोबर तो नहीं कर रही है। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है कि जानवी इस मूवी में पहले से बेटर एक्टिंग करेगी या फिर नहीं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने चैनल फिल्मी चार्ट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।